गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, सुनामी, और आज हम इसका पार्ट 2 रीड आउट कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में पहले इसमें द गर्ल है, जो ब्रिटिश गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पग बीच इन थाईलैंड। जो वहाँ पर सुनामी आई थी तो बहुत सारे पर्सन्स की, बहुत सारी फैमिलीज की उसने लाइव्स को बचाया था, उनको सेव किया था। और शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसने नंबर ऑफ अवार्ड्स वॉन किए, मतलब कि पीपल्स की लाइफ सेव करने का। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू इंटरव्यू ऑन द टेलीविजन एंड मेड इन टू अ हीरोइंस, मतलब कि उसके जो पेरेंट्स थे, उनके फैमिली मेम्बर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि उसकी जो डॉटर हैं वो इंटरव्यू दे और टेलीविजन्स पे आए और वो हीरोइन बने। वाई डू यू थिंक दे टू दिस डिसीजन, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। नाउ हेयर स्टोरी फ्रॉम द थाईलैंड, अब हम स्टोरी थाईलैंड से रीड आउट करेंगे। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जो स्मिथ की गर्ल की फैमिली थी, स्मिथ गर्ल उसकी जो फैमिली थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, साउथ ईस्ट, वर द सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन थाईलैंड, इन सदर्न थाईलैंड, मतलब कि उन्होंने जो क्रिसमस का सेलिब्रेट किया था वो बीच ऑफ द थाईलैंड रिसोर्ट के पास में किया था। टैली स्मिथ वॉज अ 10 years old स्कूल गर्ल, वो 10 years की थी, और उसकी जो सिस्टर थी, हर सिस्टर वॉज 7 years old। दे पेरेंट्स वॉज पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके जो पेरेंट्स थे वो पैनी एंड कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 December 2004, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, मतलब कि 26 December 2004 में वो वहाँ पर सुनामी आई। दे हैड अ ट्रिजर्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक ऑफ इन द नॉर्थन समुद्र अर्लियर दैट मॉर्निंग, उनको मैसेज कन्वे हो गया था कि अब सुनामी आने वाली है। द वॉटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन पैनी एंड स्मिथ, रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिड नो दैट वॉट वॉज हैपन, बट द टैली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन एंड हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी वॉज इन थाईलैंड्स फैमिली, जो वो थाईलैंड्स की फैमिली मतलब कि वहाँ चली गई थी और उसने देखा था कि सुनामी कैसे स्ट्रगल करती है ज्योग्राफी के लिए। टैली सॉ द स्लोली राइज एंड स्टार्ट फ्रॉम बबल एंड फ्रॉम द वर्लपूल, सी रिमेंबर दैट शी हैड सीन इन द क्लास इन वीडियो ऑफ द सुनामी दैट हैड हिडन द हवाइन इंसलैंड इन 1946। हर ज्योग्राफी टीचर हैड सो हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन कॉज बाय अर्थक्वेक वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड, मतलब कि उस गर्ल ने जो टैली स्मिथ थी उसको पता था कि क्यों नहीं, क्योंकि उसको उसने अपनी क्लास के अंदर उसने टीचर ने उसको वीडियोस बताए थे कि अर्थ सुनामी के अंदर सुनामी क्या क्या कॉज करती है, कॉज बाय द अर्थक्वेक वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड से, तो उसको रिमेंबर वो पॉइंट्स थे। द टैली स्टार्ट द स्क्रीम एट द फैमिली टू गेट ऑफ द बीचेज एंड सी टुक आउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, सी गॉट मोर एंड मोर hysterical and said the penny, I doesn't know the tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on, मतलब कि उसने बोला कि हमको यहाँ से कहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर when you hysterical, मतलब कि when you hysterical you shout a laugh or cry in the, मतलब कि उनको without any control over self, उनको control ही नहीं हो रहा था, तो वहाँ से उन्होंने वहाँ से जाना पसंद किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।